बात है जनवरी की एक ठंडी सुबह की। ये है मिस्टर एंड मिसेस सहा का घर और 22 जनवरी 2024 वाले वीक इस सिंपल से मिडिल क्लास बंगाली हाउसहोल्ड में लगा था एक मेला। मेला कहना ठीक है या गलत वो तो पता नहीं, लेकिन माहौल कुछ वैसा ही था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये है मृन्मॉय और ये है अनन्या और इन दोनों की लव स्टोरी है करीब करीब 2 साल पुरानी। और हर हैप्पी लव स्टोरी का एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है हैप्पी मैरिज। इसीलिए 22 जनवरी 2024 को इन दोनों ने डिसाइड किया शादी करने का। दादा तुम कब शादी कर रहे हो? अरे मुझसे पहले तेरी शादी होगी रे। मैं अपना परिचय तो देना भूल ही गया। मैं हूँ तन्मय साहा, मृन्मॉय का बड़ा भाई। And I am going to take you deep down the memory lane of one full week of fun, food, family and functions. हमारी फैमिली काफी बड़ी है और ऑलमोस्ट हर कोई सिलीगुड़ी के बाहर ही रहता है। और बंगाली शादी कोई एक दो दिन का अफेयर नहीं, बल्कि पूरे एक हफ्ते का मेला होता है। कुल मिला के 70 से 80 लोग हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स को 7 दिन तक हम होस्ट करने वाले हैं। काफी बड़ा सब्जी का स्टॉक उठाना पड़ेगा और उसके लिए मैं और हनीमून आ गए हैं रानीडांगा हाट। यहाँ ताजी ताजी सब्जियाँ आप होलसेल क्वांटिटी एंड प्राइस में खरीद सकते हैं। एक टोटो भर के सब्जी लेके आज के टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करके मैं घर के लिए निकला, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सारा माल 0 to 3rd floor उठाना पड़ेगा। अरे दादा बंगाली शादी में माछ नहीं? अरे चल चल अपने बाप को मत सिखा, फिश तो हम रोज खाएंगे। बंगाली मानुष आर की चाय, एक टू माछ होले ही खावाटा शांति को खेते पारे, ताई ना। मछली स्कोर करने के लिए अपने मामा जी की फौज लेके मैं पहुंचा शिव मंदिर माछ बाजार और हमको चाहिए थी बड़ी वाली कातला। ये दोनों का टोटल वेट 17 केजी है और 2 दिन के लिए ये इनफ होगा। रात हुई तो तख्त सजाने का काम शुरू। इस काम को राहुल और अंकन ने लंबा टाइम लेके बखूबी अंजाम दिया। बैकग्राउंड में ग्रोसरीज के डब्बे देखो, सारा खाने का सामान स्टॉक कर लिया है। हरी गुलाबी गुलाबी सब्जियाँ। गाजर क्या भाव? गाजर 20 रुपया किलो साहब। 1 किलो दे दो जी। लो साहब। और ये गोभी क्या भाव? बहुत ही सस्ती है साहब, 10 रुपए किलो लगा दूं। एक काम करो, ये गाजर के बदले 2 किलो गोभी दे दो जी। लो साहब। अरे साहब पैसे तो देते जाओ। किस बात का पैसा? 2 किलो गोभी के पैसे। गोभी तो मैंने गाजर के बदले लिया। अरे साहब तो गाजर के पैसे दे दो। पर गाजर तो मैंने लिया ही नहीं। जय श्री नारायण पूजा से शुभारंभ करते हैं शादी के रिचुअल्स। पहली रिचुअल है गंगा निमंत्रण। नाचते नाचते सब निकल पड़े पास के ही बोल्ला कालीबारी मंदिर और बाकी सब कुछ एक तरफ और डांस करने का मौका एक तरफ। बहुत नाचे सब लोग। फिर गंगा माता को निमंत्रण किया शादी में आने के लिए। वापस लौटकर घर के नीचे दूल्हे के साथ नाच, मतलब बंगाली माच के अलावा नाच का भी शौक रखते हैं, इसका प्रमाण तो मिल गया। नाच के बाद माच। ये माच अनन्या की फैमिली मेंबर्स लेकर आए हैं मृन्मॉय को आशीर्वाद में देने के लिए।
सबने रुपया पैसा और ज्वेलरी देकर आशीर्वाद दिया मृन्मय को। आज है शादी का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। मृन्मय को दर्पण दिया बार्बर ने और ये पूरी शादी में मृन्मय के हाथ में उसे कैरी करना पड़ेगा। आदिवास की रिचुअल में माँ बाबा ने मृन्मय को आशीर्वाद दिया। दोई खोई चीड़ा और 5 रकम मिष्टी का कार्ब एंड शुगर से लोडेड प्रसाद बनाया दोनों मामियों ने मृन्मय की फर्स्ट एंड लास्ट मील ऑफ द डे। और यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, गर्मा गर्म पूरी। सर्दियों के सूरज की गर्मी में बैठकर दोनों मामियां यहां पर आलता लगा रही हैं अपने पैरों पे। अब हल्दी कूटी जा रही है मृन्मय के गाय होलूट सेरेमनी के लिए। विधि पूजा हमारे ही घर के मंदिर में परफॉर्म की मेरे पिताजी ने मृन्मय के साथ। तख्त याद हैं? ये रहे सारे 32 तख्त थैंक्स टू राहुल एंड अंकन। बस यही बाकी रह गया था, नाच इन अ बंगाली बीए पार्ट 2। जा रहे हैं पानी भरने गाय होलूत सेरेमनी के लिए। पानी भर के लौटे ही थे कि तख्तों से भरी हुई गाड़ी लेकर मामा फूफा और काका जी की गैंग निकल पड़ी अनन्या को आशीर्वाद देने। इस तरफ बार्बर ने मृन्मय के नेल्स कट किए और मामी जी की गैंग ने गाय हुलूद को परफॉर्म किया। बिरयानी आ रही है। और कितनी देर लगेगी? अरे मैं ला रहा हूँ देख रहा हूँ। अरे नकली केटर, बिरयानी किधर है? सब लोग मेरे पे चिल्ला रहे हैं। बिरयानी बनने में टाइम लगेगा, पर एक आइटम रेडी है, इसको खा के सब शांत हो जाएगा। बिरयानी बोल, कौन कौन गोली खाएगा? आयरॉनिकली बंगाली शादी में दूल्हे के माँ बाबा शादी नहीं अटेंड करते हैं। मृन्मय को आशीर्वाद देके शादी करने के लिए रवाना किया माँ बाबा ने। मेघराज जो कि भांजा है हमारा,
उसको अपना पार्टनर इन क्राइम बनाकर मृन्मय निकला शादी करने। स्वागत किया अनन्या की माँ, मासी एंड मामी जी की गैंग ने। लेकिन शादी मंडप पहुंचने से पहले ही सामना हुआ सालियों की गैंग से, मेरा मतलब सिस्टर इन लॉज की गैंग। इनको चाहिए कैश, वरना ये शादी नहीं होने देंगी। लॉल्स, फूलों से सजे हुए मंडप में कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए मृन्मय और मेघराज। एंड हियर कम्स द ब्राइड। दुल्हन के चार भाई या दोस्त मिलकर उसे एक पीढ़ी में बिठाकर उठाते हैं और इधर आराम से बैठे हुए दूल्हे के चारों ओर सात बार घुमाते हैं। एंड देन हैपन्स शुभो दृष्टि। पहली बार एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर अपने एवरलास्टिंग प्यार का इजहार करते हैं। लव एंड रोमांस में थोड़ा ड्रामा तो एक्सपेक्टेड ही है। लव इन वॉर और वॉर इन लव, मैं झुकेगा नहीं। और ये है बंगाली शादी का हाईलाइट रिचुअल। अरे रुको जरा, शादी अभी हुई नहीं है। बंगाली कल्चर में दो दो शादियों का रिवाज है और कल होने वाला है बाशी बिहे। मृन्मय रात को शादी के बाद अनन्या के घर में ही रुका था। आज सुबह हमारी नानी जी की गैंग उन्हें एक साथ नहला रही है और इसके बाद होगी बाशी बिहे। बाशी बिहे रिचुअल दूल्हे के फैमिली मेंबर्स के तरफ से होती है। कल वाली शादी दुल्हन के फैमिली मेंबर्स के तरफ से थी। हिंदू वेडिंग रिचुअल्स, कुछ कॉमन अक्रॉस कल्चर्स एंड कुछ यूनिक। पर मोटिव कॉमन है, टू ब्लेस द न्यूली मैरिड कपल अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ अहेड। खाना तुम बनाओगे और बर्तन मैं धोऊंगी। हाँ हाँ, वैसा ही कर लेंगे। तुम्हारे गाल पे मिठाई लगी है। वेट गेन हो गया मेरा दो दिनों में। 14 फेरे और हर फेरे के साथ सिंदूर दान, 14 जन्मों का साथ। आप लोग सोच रहे हैं वेयर इज द नाच। ये देखो नाचता झूमता इंजन ऑफ द ट्रेन, हमारी काकी माँ। कजन्स की गैंग, इनको बस नाचने का मौका चाहिए। नाचती हुई नानी जी, मासी पीसी सबाई मिले नेचे नेचे 14 पाक घुड़लो। यही तो मजा
बंगाली बियर। ये एक छोटा सा पॉन्ड है और दुल्हा दुल्हन कुछ फन गेम्स खेल रहे हैं नानी काकी मासी पीसी को साथ लेकर। ये इश्क नहीं आसान, एक छोटा सा पॉन्ड है और दुल्हन को पार ले जाना है। दुल्हन के लाइट वेट होने का बेनिफिट मिला मृन्मय को और वो अपने दुल्हन को गोद में उठाकर ले चला। वेट अ मिनट, ये वाली साली सिस्टर इन लॉ आज तो ये कोरबो लोड़बो जीतबो रे के मूड में है। कर दीजिए यार, एक बार शादी कर दीजिए। लंबा टाइम खड़ा रखा और इस बार एक छोटा सा खर्चा करना पड़ा मृन्मय को। दुल्हन अपने नए घर में आने से पहले दूल्हे के साथ माँ काली, हनुमान जी, नंदी, शंकर सबका आशीर्वाद लेती है। एंड वेटिंग फॉर देयर वेलकम इज बाजा पार्टी, आई मीन बैंड पार्टी। And here I present to you Nach in a Bengali Biye Grand Finale. नाचते नाचते बारात दुल्हा दुल्हन को लेकर चली अपने घर। Fireworks in the sky and fireworks on the ground. Swag se kiya dulhan ka swagat. की मम्मी विद एंटायर फैमिली आशीर्वाद देकर दूल्हा दुल्हन को रिसीव करती है। रूपा हमारी कजन ने दूल्हा दुल्हन के पैर धोए और क्विक कैश कमाया। प्यार मोहब्बत में चलता है भाई। राइट लेफ्ट सिंक्रोनाइजेशन करके दूल्हा दुल्हन ने किया गृह प्रवेश। माँ ने दूल्हा दुल्हन को गोद में बिठाया, प्यार दिया, मिठाई खिलाई और दोनों सुहागनों ने सिंदूर दान किया एक दूसरे को। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर शुरू हुए गेम्स जिनसे फ्यूचर पता चल जाता है कपल का। हंसी मजाक में ऐसा बोलते हैं। शादी तो हो गई, नई दुल्हन अपने नए घर भी आ गई। वैसे तो अनन्या जॉब करती है लेकिन क्योंकि मृन्मय ने उससे शादी की है तो उसके रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी तो अब लेनी पड़ेगी ना। सदा सुहागन रहो। अनमैरिड कजिन्स के गैंग को लीड करते हुए रूपा ने दुल्हन के साथ खाना शेयर किया। सब ने फैल कर और फैला कर खाना खाया। मेन लीडर ही खाना है।
अरे दादा सीजन शुरू हो गया, चलो चिकन पकौड़ा खाते हैं। तू जा चिकन पकौड़ा खा, मैं ये खत्म करके आता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अब तक ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिसेप्शन वॉज अ काम रिलैक्स्ड फंक्शन जहां सबने सोशलाइज किया, बॉन्डिंग की, फोटोज क्लिक करवाए और अच्छा अच्छा खाना खाया। एक हफ्ते से जिस शादी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी फैमिली साथ आई थी, ये उसका आखिरी दिन है और आखिरी मौका है एक साथ पूरी फैमिली को देखने का और मजे करने का। नेक्स्ट हम सब एक साथ कब मिलेंगे कोई नहीं जानता।